साबिक वजीर आजम और मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ के बेटे हसन नवाज को लंदन हाई कोर्ट ने दिवालिया करार दे दिया। हसन नवाज को बरतानवी हुकूमत और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के टैक्स केस में दिवालिया करार दिया गया है। लंदन हाई कोर्ट के मुताबिक हसन नवाज को साल 2023 के केस नंबर 694 के केस में दिवालिया करार दिया गया है। हसन नवाज से मुतालिक केस 25 अगस्त 2023 को फाइल किया गया था। साबिक वजीरे आजम और मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ के बेटे हसन नवाज को लंदन हाई कोर्ट ने दिवालिया करार दे दिया। हसन नवाज को बरतानवी हुकूमत और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के टैक्स केस में दिवालिया करार दिया गया है। लंदन हाई कोर्ट के मुताबिक हसन नवाज को साल 2023 के केस नंबर 694 के केस में दिवालिया करार दिया गया है। हसन नवाज से मुतालिक केस 25 अगस्त 2023 को फाइल किया गया था। साबिक वजीर आजम और मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ के बेटे हसन नवाज को लंदन हाई कोर्ट ने दिवालिया करार दे दिया। हसन नवाज को बरतानवी हुकूमत और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के टैक्स केस में दिवालिया करार दिया गया है। लंदन हाई कोर्ट के मुताबिक हसन नवाज को साल 2023 के केस नंबर 694 के केस में दिवालिया करार दिया गया है। हसन नवाज से मुतालिक केस 25 अगस्त 2023 को फाइल किया गया था।